हेलो दोस्तों, इंडिया की बिगेस्ट एक्शन मूवी, बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन मूवी, बंदर छाप एक्टर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी एक्शन मूवी जिसका नाम है BMCMWD ओपेंडा, जिसको देखने के बाद आप जाकर ओड़ा पाव का ठेला लगाओगे और खुद ही लाइन में खड़े रहोगे ओड़ा पाव खाने के लिए या फेमस होने के लिए। तो ये तो हो गई भाई इलॉजिकल बातें, घंटा नहीं आपको समझ में आया होगा। चलिए मूवी का रिव्यू करते हैं जिसका नाम है बड़े मियां छोटे मियां। तो भैया, पब्लिक का चूतिया काटने के लिए ये लोग थिएटर में आ चुके हैं और इसके बाद क्या कारनामे होते हैं वो सुनिए। सबसे पहले तो लगता है कि मूवी कंप्लीट होने के बाद मेकर्स को भूकंप का झटका लग गया था, सब कुछ इधर का उधर हो गया है। रिलीज होने के बाद जो मूवी देखता है वो समझता है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। भैया, किसी जमाने से बड़े मियां छोटे मियां का नाम इतना बढ़िया से और इतने शान से लिया जाता था और लेते आ रहे थे हम लोग, और इस नाम का इतना रिस्पेक्ट और इज्जत था भाई, जिसका आज इन्होंने मतलब दम घोट दिया, मिट्टी मिला दिया सब कुछ। ऐसी होती है नाम हंसाने वाली मूवी जिसको देखने के बाद आप यही सोचोगे यार कि हर बात पे एक्शन, हर बात पे चूदी, इलॉजिकल बातें, गाने का कोई सेंस नहीं। यार, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का जमाना खत्म होने वाला है, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या मतलब था ऐसा मूवी बनाने के लिए भाई। 350 करोड़ रुपए मतलब पैसा पैसा और 2.5 घंटा, भाई इतना काफी था पठान जैसा कंटेंट पब्लिक के सामने रखने के लिए। लेकिन नहीं, हमें तो वही करनी है बंदरों वाली हरकत, इससे अच्छा तो मुजरा करवा लेते भाई दोनों से। भाई ये मूवी देखने के बाद ना आप जाकर योद्धा मूवी जरूर देख लेना, इससे तो सोगना बेहतर है। लेकिन पता नहीं यार वो भी क्यों फ्लॉप हो गई। पब्लिक है भाई, हो लगता है बड़े मियां छोटे मियां को हिट कर दे, कोई ठीक नहीं भाई, कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ इलॉजिकल है। सब छोड़ो बकचोदी अपनी जगह, चलो स्टोरी के बारे में बात कर। स्टोरी यही है भाई, घर का भेदी लंका ढाए अपना दुश्मन, जानी दुश्मन, दुश्मन ऐसा कि देश को बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है और इसको बचाने के लिए हमारे दो बंदर छाप कैरेक्टर आते हैं, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, जिनकी एंट्री स्लो मोशन और एक्शन के साथ धमाकेदार और हर बार यही देखने को मिलेगा आपको मूवी में। लेकिन 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 भाई ये दोनों आपस में ही लड़ते हैं यार, जब खुद ही में लड़ रहे हो तो देश कैसे बचाओगे, लड़ाई भी कैसी। दोनों का आपस में कमेंटेंट्री, बेवजह की कॉमेडी ठूसना, इलॉजिकल बातें, फालतू के डायलॉग, यही तो है इनकी लड़ाई। लेकिन यार एक जगह तो सच में लड़ते हैं ये लोग, पूरा फाइट वाले सीन के साथ मजा आता है, घंटा मजा आता है। ये सब देखने के बाद आप यही कहोगे ना कि एक्टिंग कहाँ भाई, अरे कुछ तो अच्छा कर लेते भाई, ऑडियंस को चूतिया बना के पैसा कमाना है, करियर की परवाह तो है नहीं। और इन दोनों हीरो से कुछ छूट गया हो भाई तो उसको पूरा करने के लिए हमारे मानुषी छिल्लर हैं, जिनको देखने के बाद आप अपने सर का बाल नोचने लगोगे। ऐसा मत करना यार, कुछ ज्यादा ही हो रहा है भाई, है ना। चलो शॉर्टकट मारते, देखो एक्शन की बात करें तो एक्शन बहुत लंबा लंबा है भाई, देखने में मजा आता है, अच्छा है, लेकिन बीएफएक्स से थोड़ा बहुत आपको झटका लगेगा और बार बार स्लो मोशन की एंट्री, बार बार इनका बकचोदी, ये भी एक्शन को खराब कर देता है। डायलॉग की बात करें तो भाई इनका कोई सिर पैर नहीं है, फालतू की बकवास और बकचोदी, इलॉजिकल बातें। और सॉन्ग, अरे यार सॉन्ग बनाने की जरूरत ही नहीं थी, केवल एक्शन एक्शन ही दिखा देते, घंटे की मूवी तो भी अच्छा था। सॉन्ग बनाने के लिए मूवी बना दी है या मूवी बनाने के लिए सॉन्ग बनाए हो कि एक्शन एक्शन बनाने के लिए, एक्टिंग तो है नहीं भाई, एक्टिंग सोच के मत जाना भाई, एक्टिंग देखने जा रहा हूँ किसी का। विलन की बात करें तो भाई विलन अपने जगह पर ठीक है भैया, वो सस्पेंस बना के रखता है मूवी में, एक चेहरा छिपा हुआ है और इसको देखने के लिए आप टाइम पास करते रहोगे थिएटर में, बेहतर है। विलन के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट मेरे तरफ से नहीं निकल रहा है। और भैया सोनाक्षी सिन्हा की बात कर लेते थोड़ी बहुत, तो उनकी एक्टिंग से आप क्या उम्मीद रखते हो, उम्मीद रखते हो तो ठीक है, लेकिन इसमें एक्टिंग नहीं देखने को मिलेगा, वो बार बार बेहोश हो जा रही है और आप भी बेहोश हो जाओगे देखकर, है ना। तो जब भी वो सामने आ रहे हैं तब विलन आके उनको बेहोश कर देता है भाई, ऐसा सीन बनाया गया है। चलो ठीक है, अब क्या करें, खुजली तो मची रही है। मैदान मूवी देख ली है तो देख लो भाई, मूड फ्रेश हो जाए, अगर मूड खराब हो जाए तो इसको देख लेना, अगर इससे मूड अच्छा ना बने तो भैया ओड़ा पाव खा लेना जा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।